अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं नरेश शुक्र, आप देख रहे हैं MSTV YouTube। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुपर स्टूडियो के नाम से यहां पर आपको एक एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। इसका क्या काम है, इससे आप क्या काम ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है और आपकी जो मोबाइल के अंदर एक्सेस जो है वो भी कम से कम मांगती है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि हर चीज़ का कैमरे तक कई वो एक्सेस हासिल करती हैं और फिर काम करती हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है। तो बासानी आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। इसका काम क्या है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो वक्त आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो बात करते हैं इस एप्लीकेशन से मतलब कि इसका काम क्या है, ये क्या करती है। तो वीडियो एडिटिंग से मतलब मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर बनी हुई हैं और जो लोग वीडियो एडिटिंग से दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आप पास देख सकते हैं कि ऑनलाइन म्यूज़िक, तो यहाँ पर आप अगर आपके पास म्यूज़िक वगैरह नहीं है अपनी वीडियो में, व्लॉग में, किसी भी तरह की वीडियो पर लगाने के लिए, तो आप यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिलेंगे और बहुत सारी कैटेगरीज़ में मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी भी हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे म्यूज़िक के नीचे भी आप देख सकते हैं और एक एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे म्यूज़िक हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर म्यूज़िक मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उसी के नीचे आपको ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि अगर आपके फ़ोन के अंदर जो आपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट वीडियो के ऑप्शन पर आपने जाकर वीडियो को ऐड करना होगा, और अगर किसी भी वीडियो का कोई पार्ट आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्राइम वीडियो पर आपने क्लिक करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैच की जा सकती है और रिवाइंड किया जा सकता है, वीडियो की स्पीड को बढ़ाया और कम किया जा सकता है, इमेज टू वीडियो बनाया जा सकता है यानी कि तस्वीरों से वीडियो बनाई जा सकती है, स्लाइड शो जिसे कहते हैं। इसके अलावा रोटेट वीडियो यानी कि वीडियो की अगर आप घुमाना चाहते हैं नीचे वाली साइड ऊपर या ऊपर नीचे, अगर आपकी शूटिंग के दौरान वीडियो अच्छी तरह से शूट नहीं हुई तो उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को किसी भी तरह से कोई हिस्सा अगर आप काट करके रखना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है तो या कोई और इस तरह की है जहां पर आपको क्रॉपिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो वीडियो आप यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो का अगर साइज बहुत ही ज़्यादा है तो यहां पर कंप्रेसर वीडियो का जो ऑप्शन है इसको आप इस्तेमाल करके तो उसकी जो साइज़ है वो कम भी कर सकते हैं, इससे जो आपकी मेमोरी है वो कम से कम लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर इसके ऊपर निशान वगैरह दिखाई और इसके अलावा यहाँ पर एडजस्ट वॉल्यूम और इसके साथ साथ रिमूव वीडियो वाटरमार्क, ये सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन से आपने वीडियो एडिट की है जिसका वाटरमार्क आपकी वीडियो के ऊपर आ गया है तो उसको आप इस एप्लीकेशन में वीडियो को ऐड करके यहाँ पर रिमूव वीडियो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको स्टार्ट का ऑप्शन देगा तो वहाँ पर एक तो पहली दो बार अगर ना भी हुआ तो दूसरी तीसरी बार आपने करना है स्टार्ट पे क्लिक तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जो जिस पहली एप्लीकेशन में आपने वाटरमार्क समेत उस वीडियो को सेव किया था अब वो वाटरमार्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन और भी आपको मिलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि इन्होंने ऐड दिए हुए हैं, अगर ये भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट ऑडियो का जो आप वो भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी यहाँ पर इन्होंने ऐड दे रखा है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन की जो सेटिंग वगैरह हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है, आपको वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो अभी जाकर इसे आप इस्तेमाल करें और फिर कमेंट में अपना जो तजर्बा होगा वो शेयर ज़रूर करें। इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल का विजिट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।